दोस्तों सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, इस समय एक बार फिर से हम लोग खड़े हैं लोहिया पुल पे। ये लोहिया पुल जो पिछले एक महीने से लगातार खबरों में है, यहाँ पे 2-3 हादसाएं हो चुकी हैं, 2-3 जाने जा चुकी हैं और पुलिस और रेस्क्यू टीम ने लाशों को रिकवर करने की कोशिश की है। यहाँ ये घटनाएं जो हुई है इस पुल के टूटने की वजह से हुई है। ये पुल टूटा, कई जगह से प्लेटें उजड़ गई, प्लेटें सड़ गई थी और इस बात का इनिशिएटिव लिया सबसे पहले हुंकार मीडिया की टीम ने। इस बात को बार बार उठाया और जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल सकता है कि प्रशासन ने आनन फानन में एक बेहतरीन निर्णय लिया और यहाँ पे जो है वेल्डिंग का काम चल रहा है, ये प्लेटें लगाई जा रही हैं, ये रिपेयर का काम हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ ये प्लेटें लगा करके काम खत्म हो जाएगा बल्कि हुंकार मीडिया का इनिशिएटिव जो हुंकार मीडिया ने लिया उसके आधार पे एक काम और हुआ है। दिल्ली सरकार ने 2,30,00,000 रुपये का बजट उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को हैंडओवर कर दिया है और बाकी बचा 2,30,00,000 रुपया। चूँकि ये टोटल बजट 4,60,00,000 का है, इस पुल का बेहतरीन निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है, ये जैतपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। ये प्रयास किया है स्थानीय विधायक नारायणदत्त शर्मा ने और दिल्ली सरकार से 4,60,00,000 का ये बजट इस पुल के निर्माण के लिए पास करवा दिया है। यहाँ अभी जो ये वेल्डिंग का काम चल रहा है, जो प्लेटें लग रही हैं, बदरपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष सरजीत चौकन जी यहाँ पे खड़े हैं, बात करते हैं उनसे। चौकन साहब, ये लोहिया पुल यहाँ सौरभ बिहार हरिनगर जैतपुर के निवासियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। पिछले 1-2 महीने में यहाँ बहुत सारी हादसाएँ हुई, प्लेटें जो है बुरी तरह से सड़ गई थी, आज यहाँ पे प्लेटें लगाई जा रही हैं। किस आधार पे, कैसे, किसके माध्यम से, किसकी प्रेरणा से ये काम हो रहे हैं? ऐसा है, हमारे विधायक नारायण दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जी हम और हमारे पूर्वांचल के नेता यूएन मिश्रा जी हम सुबह से लगे हुए हैं और इस कार्य को करा रहे हैं जी, और उनके नेतृत्व में हो रहा है जी, और जैसा भी सही होगा वो सब जानते हैं, हमारा भी है और उनके नेतृत्व में विधायक जी के में हो रहा है, हमारे पूर्वांचल के नेता यूएन मिश्रा जी सब हैं और ये बताएंगे आगे आपको, और आज इसको बढ़िया करा दिया जाएगा, मतलब जो जो प्लेटें टूटी हुई हैं उन सबको चेंज करा देंगे। तो सर ये भी है कि ये जो व्यवस्था है ये टेम्प्रोरी हो रही है कि फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं उसे रोका जाए, कोई बड़ी प्लानिंग भी है? सुनने में आ रहा है कि आपकी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 2,30,00,000 रुपए का कोई बजट जो है सिंचाई विभाग को दिया है, कितनी सच्चाई है? हाँ सच्चाई है, उसकी मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था, चेक दे दिया है 2,30,00,000 रुपए का। दिल्ली सरकार ने हमारे विधायक जी के नेतृत्व में बड़ी मेहनत की उन्होंने और ये कार्य हो चुका है, अब जल्दी ये नया पुल बनेगा, इसलिए इसकी सुरक्षा जहाँ जहाँ टूटी हुई है कोई नीचे ना निकल जाए इसलिए उन प्लेटों को नहीं किया जा रहा है जहाँ खतरनाक बने हुए हैं, और ये हम आज कर देंगे इसे सही, और इसमें सहयोग हमारे कुछ लोग भी दे रहे हैं, कुछ पब्लिक के लोग हैं, कुछ पुलिस भी सहयोग कर रही है और आज ये जल्दी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौकन परिवार आज से ही नहीं, बहुत पहले से जो है ये जन सरोकार के कामों से जुड़ा रहा है, जन सेवा करते रहे हैं आप लोग, और आप एक बार फिर से बधाई के पात्र हैं कि विधायक जी के निर्देश पर, आपके सहयोग से, यूएन मिश्रा जी के सहयोग से ये काम जो है यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। एक बार बात करते हैं आम आदमी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता यूएन मिश्रा जी से। मिश्रा जी, यहाँ अभी 2 घटनाएं हुई हैं, एक आज से लगभग 11 दिन पहले सोनी नाम की लड़की जो है यहाँ पुल से नीचे गिर गई, उसकी लाश अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाता है तो पुलिस का कहना है कि जाके हरियाणा सरकार से परमिशन लेके आई। एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर एक जाल नहीं लगना चाहिए, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जैतपुर एरिया है, हरिनगर जैतपुर, इसका भौगोलिक इतिहास ऐसा है कि बगल में एक तरफ यूपी है और एक तरफ हरियाणा है, इस बीच में हम लोग बसे हुए हैं और ये हम लोग दिल्ली में है, तो इस भौगोलिक इतिहास के कारण ये 2015 से ही मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, बाखूबी मुझे पता है। मैं फ्लड कंट्रोल एरिया आगरा नहर कैनाल विभाग में भी गया, उसके JEE ACP सबसे ये पुल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी ली। तो ये जो है इनका एक निजी प्लांट टाइप का है जिसे आगरा कैनाल लहर इसे बिजली ये उत्पादन करते हैं और इसको चलाते हैं। ये इससे हम इसमें ज़्यादा दखल देने के लिए हम विधायक जी और हम लोग
या संस्था के माध्यम से आग्रह कर सकते हैं। इसी के तहत जैसे ये घटना घटी है, उन बच्ची और उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और हम सारे लोग दुखी हैं। इसी तरह से कोई आगे हादसा न हो जाए, इसलिए पुल ठीक कराना हम लोगों का काम भी नहीं है, लेकिन ये पुल है ऐसा जो करीब करीब 10,000-15,000 लोगों को प्रतिदिन आवागमन का एक मुख्य साधन है। यहाँ अगर लोग बदरपुर से जाते हैं, मदनपुर खादर से कहीं जाते हैं, जो आदमी ओखला ड्यूटी करता है, कलगा जी ड्यूटी करता है, उसको 4-5 किलोमीटर की बचत हो जाती है। इसलिए कितने करने के बावजूद भी हम लोग खराब ही रह करके यहाँ पर लोगों को लाइन में रखे रोके, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग जाएंगे इधर से ही। इसके लिए एक खुशखबरी भी है कि दिल्ली सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को 2,30,00,000 रुपया का एक किस्त हमने दे चुके हैं, उनका चेक उन्हें प्राप्त हो चुका है और आगे इस कार्य पर विधायक जी और उनकी टीम लगी हुई है कि कितना से कितना जल्दी हो सके इस काम को कराया जा सके। नए साल में शायद हम इसकी अच्छी सौगात यहाँ की जनता को देंगे कि पुल बनाने का काम जो हम बाखूबी करेंगे, नया पुल बन जाएगा, लोगों का इससे आवागमन कम हो जाएगी, तो इसके बाद हादसा होना कम हो जा सकता है। सर जो बजट पास कर दिया है, यहाँ से दिल्ली सरकार ने सिंचाई विभाग को हैंडओवर कर दिया है, क्या कुछ समय सीमा निर्धारित हो पाई है, कुछ टेंडर वगैरह हुए कि ये कब तक काम होगा, कब तक पुल बन के तैयार होगा? ऐसा है, उसके लिए अभी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जल्द काम होगा और एक डेलीगेट हम लोग जल्द ही इरीगेशन डिपार्टमेंट से, सिंचाई विभाग से हम लोग मिलने जा रहे हैं नए साल में, और विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे और उनको जल्दी से जल्दी चालू करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। यहाँ सौरभ बिहार हरिनगर जैतपुर इलाके के रहने वाले लोगों के लिए नौ वर्ष की पूर्व संध्या पर एक टेम्पररी व्यवस्था कि अब इस लोहिया पुल से कोई नीचे नहीं गिरेगा, एक अच्छी व्यवस्था की जा रही है, लोहे की प्लेटें लगाई जा रही हैं, वेल्डिंग किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायक नारायण दत्त शर्मा के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में उनके सहयोगी सरजीत चौकन और यूएन मिश्रा जी के द्वारा यहां पे खड़ा होकर इस काम को करवाया जा रहा है। नौ वर्ष की पूर्व संध्या पर ये एक छोटी सी सौगात है, लेकिन जैसा कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि नौ वर्ष 2018 में जल्दी ही यहां के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी, यहां पे एक बड़े पुल का निर्माण होगा जिसकी आधी बजट सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को दिल्ली सरकार ने हैंड ओवर कर दिया है। आप देख सकते हैं यह पुल जर्जर स्थिति में है, आवागमन हेतु जान माल के खतरे को देखते हुए तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। जी हाँ, सरकार ने यहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया है, चीफ इंजीनियर के आदेश से ये बोर्ड लग चुका है, फिर भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से आते जाते हैं, लोगों का आना जाना भी मजबूरी है और विभाग की भी मजबूरी है। विभाग ने चेतावनी दिया है, यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है, लोग अपने रिस्क पे जाएंगे, पुल का निर्माण जल्दी होना है, लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी को नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष का ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आपके जिंदगी में सुख समृद्धि और संपन्न जीवन हो, ये कामना हम सभी मिलकर के करते हैं कि आपका जिंदगी मंगलमय हो, नव वर्ष शुभ हो। थैंक यू।